Hello everyone, this is Shweta from Scrap Art, and today I'm gonna show you something exciting. Ta-da! This is a card, or you can call it as photo book, scrapbook, or 3D card. Let me tell you, I have used 90% of scrap, or torn papers, used papers, small bits of papers, or handmade sheets, and only 10% of fresh paper. My friends, I have invested only 50 rupees on this card. It will be like a stand. Wow. And now you can use this as a photo album. You can paste photo here and write your messages here. Then second photo, third photo and fourth photo. Likewise, you can paste four photographs here, or you can use this side as pasting small photographs, and you can use this as typing small messages also and pasting it here. You can use two-way tape and single hand tapes. Well, now at everybody's place, these are small punchers. Ye flower ka puncher hai. I have made it half to paste it like this, kyunki agar main isko pura punch karti aur bahar nikal deti to it won't look a symmetrical pasting. Ye sare ke sare punchers hain. ये मैंने जो घर में स्क्रैप हमारे पड़े होते हैं फोम शीट्स के, उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट के यहाँ पे पेस्ट किया है. यहाँ पे सिर्फ मैंने फेविकॉल यूज़ करी है, ग्लूगन कहीं भी पेस्ट नहीं करी, बिकॉज माई ग्लूगन वॉज नॉट वर्किंग. नेक्स्ट कमिंग हेयर, ये मैंने जो मेरे छोटे छोटे पीसेस पड़े हुए थे फोम शीट्स के, उसको मैंने पंचर वाली जो पंचिंग मशीन होती है उससे मैंने इसको पंच करके यहाँ पे पेस्ट किया है. फेविकोल के छोटे 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 डॉट्स लगाते गए, और मैंने अपनी फ्रेंड को या अपने पापा को या मम्मा को किसी को भी बोला कि इस पे छोटे छोटे जल्दी से पेस्ट करते जाओ. इन्वेस्टमेंट कहाँ हुई है मेरी? इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये बटन्स में हुई है, बिकॉज ये एक स्टिकर है, ये स्टिकर है, ये पूरा एक स्टिकर है. तो स्टिकर मेरा 50 रुपीस का था, कंसेशन करने के बावजूद भी उन्होंने 50 रुपीस का ही दिया. अदरवाइज यहाँ पे आप सिंपल जो घर में आपके बटन्स अवेलेबल होते हैं वो भी पेस्ट कर सकते हैं, बट ये हमारा ग्लू गन से ही पेस्ट होगा. या एक और चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ फेविक्विक और फेविबॉन्ड. कमिंग बैक टू द कवर पेज, ये एक हैंडमेड शीट थी जो मेरे पास इकलौती पड़ी हुई थी, वो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा इंच से काट के मार्जिन दिखाते हुए इस पर पेस्ट कर दिया है. ये सिंपल फेविकॉल से पेस्ट हुआ है. इसको पेस्ट करने से पहले मैंने एक नॉर्मल लेंथ का रिबन लिया, जिसको मैंने पीछे से स्टार्ट करके यहाँ पे पेस्ट किया. ये लॉक हो जाए इसलिए उसके ऊपर मैंने कवर पेस्ट किया है. ये भी हमारे पंचिंग मशीन के पंचर्स हैं, जो छोटे छोटे होल्स थे वो भी जो मेरे पास स्क्रैप पे मेरी पड़ी हुई थी शीट, वो ही मैंने यहाँ पे लगाई है. थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन हमें खुद देखना पड़ता है कि एक ब्राइट और एक लाइट हो. ज़्यादा अगर हमें किसी बड़े एज के पर्सन को देना है, जैसे मम्मा को, पापा को या कुलीग को, बॉसेस को, तो हमें थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन सोबर रखना पड़ता है. इसीलिए मैंने अंदर भी एक ही तरह की शीट्स ली हैं. अलॉन्ग विद दिस मैंने इसी के साइज का एक ऑनवलप बनाया है. ऑनवलप में भी मेरे पास छोटे छोटे पीसेस रिबन के पड़े हुए थे, वो मैंने इधर उधर पेस्ट किया है. ये मैंने पेस्ट इसलिए किया है क्योंकि शीट मेरे पास कम थी, तो मैंने शीट जोड़ के, पहले शीट मैंने जोड़ी फिर एनवलप बनाया. यहाँ पे इसका एक कट दिख रहा था इसलिए मैंने इसके ऊपर रिबन पेस्ट कर दिया. यहाँ तक मेरे पास रिबन बचा ही नहीं इसलिए मैंने स्ट्रिप पेस्ट कर दी पतली पतली. कलर कॉम्बिनेशन में सेम लग रही है, इट हार्डली मेक्स एन डिफरेंस. मेन थिंग दैट वर्क्स हेयर इज नीटनेस इन योर हैंड. अगर आप कटिंग के टाइम पे नीटनेस रखेंगे तो आपके वर्क में क्लैरिटी लाएगा और आपके वर्क को ब्यूटिफाई करेगा. सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे. थैंक यू एंड सब्सक्राइब.